एक बार की बात है, पहाड़ियों और हरी भरी हरियाली के बीच बसे एक अनोखे छोटे से गांव में राज नाम का एक जिज्ञासु युवा लड़का रहता था। राज पूरे गांव में रोमांच की अपनी अतृप्त प्यास और अटूट साहस के लिए जाना जाता था। लेकिन जो चीज उन्हें वास्तव में अलग करती थी वह उनकी दादी अमारा के प्रति उनका गहरा प्यार था, जो मंत्रमुग्ध कर देने वाली कहानियों का भंडार थी। हर शाम जब सुनहरा सूरज क्षितिज के नीचे डूब जाता था और पूरे गांव पर लंबी छाया डालता था, राज उत्सुकता से अपनी दादी के पास बैठता था। अमारा अपने चांदी के बालों और ज्ञान से भरे दिल के साथ उसे दूर दराज के देशों, पौराणिक प्राणियों और बहादुर नायकों की कहानियों से प्रसन्न करती थी। लेकिन राज की पसंदीदा कहानी वह थी जिसने उसके दिल पर कब्जा कर लिया था, एक राजकुमारी की कहानी जो एक खतरनाक जंगल के भीतर एक हाथी के कान के अंदर रहती थी। कहा जाता है कि राजकुमारी के पास बेजोड़ सुंदरता थी, उसका दिल सुबह की ओस की तरह शुद्ध था और उसकी आवाज ऐसी थी जो सबसे जंगली जानवरों को भी मंत्रमुग्ध कर सकती थी। राज ने आश्चर्य भरी आंखों से यह कहानी सुनी। उसका दिल खतरनाक जंगल के बीचों बीच रहने वाली इस पौराणिक राजकुमारी से मिलने के लिए उत्सुक था। जैसे जैसे दिन हफ्तों में बदल गए, कहानी के प्रति राज का आकर्षण एक अत्यधिक जुनून में बदल गया। उसके सपने जंगल के दृश्यों से भरे हुए थे और वह राजकुमारी के दूर के मंत्रमुग्ध कर देने वाले गीतों को अपने कानों में गूंजता हुआ सुन सकता था। आखिरकार एक दुर्भाग्यपूर्ण शाम राज ने जीवन बदलने वाला निर्णय लिया। उसने हाथी के कान के भीतर रहने वाली राजकुमारी को खोजने के लिए एक खतरनाक यात्रा शुरू करने का फैसला किया। जंगल की यात्रा जोखिम भरी थी। घने झाड़ झंखाड़, ऊंचे ऊंचे पेड़ों और डरावनी आवाजों से भरी हुई थी, जो खतरे की दास्तां फुसफुसाती हुई लगती थी। राज को रास्ते में कई चुनौतियों का सामना करना पड़ा, जिनमें क्रूर जंगली जानवर और विश्वासघाती रेत भी शामिल थी। लेकिन उनका दृढ़ संकल्प कभी नहीं डिगा। वह अपने साथ अपनी दादी की कहानियों और राजकुमारी की मनमोहक छवि अपने साथ रखता था। एक चांदनी रात में जैसे ही राज जंगल के बीचों बीच गहराई में गया, उसे जादूगरों की एक टोली का सामना करना पड़ा, जो अंधेरे और द्वेषपूर्ण जादू का अभ्यास करते थे। उन्होंने जादू टोना करके उसकी प्रगति को विफल करने का प्रयास किया, जिससे तूफान और भयानक दृश्य सामने आए। लेकिन राज राजकुमारी के प्रति प्रेम और अटूट भावना से लैस होकर विपरीत परिस्थितियों में भी डटकर खड़ा रहा। भय से निष्कलंक हृदय के साथ उन्होंने जादूगरों का सामना किया और अपने इरादों की पवित्रता से उनके काले जादू को दूर कर दिया। अंततः अनगिनत परीक्षणों और कष्टों के बाद राज जंगल के बीचों बीच पहुंच गया, एक ऐसी जगह जहां पेड़ ऊंचे खड़े थे और हवा मंत्रमुग्धता से गूंजती हुई प्रतीत होती थी। वहां एक राजसी हाथी के भीतर उसने उसे पाया। टिमटिमाते सितारों जैसी आंखों वाली राजकुमारी और एक मुस्कान जो सबसे ठंडे दिल को भी पिघला सकती थी। जब राज ने उस राजकुमारी को देखा जिसने उसकी दादी की कहानियों के माध्यम से उसके दिल पर कब्जा कर लिया था, तो उसकी आंखों में खुशी के आंसू भर आए। कोमल हृदय और कोमल शब्दों के साथ उसने उसे प्यार और खुशी का जीवन देने का वादा करते हुए अपने साथ अपने गांव वापस चलने के लिए कहा। राजकुमारी, जो जंगल से परे की दुनिया का अनुभव करने की इच्छा रखती थी, सहमत हो गई और वे एक साथ घर वापस यात्रा पर निकल पड़ी। वापसी की यात्रा हंसी, प्यार और राजकुमारी के मधुर गीतों से भरी थी। पराजित और विनम्र जादूगरों ने फिर से हस्तक्षेप करने का साहस नहीं किया। जब राज और राजकुमारी गांव में पहुंचे तो पूरा समुदाय उसकी सुंदरता और लावण्य से मंत्रमुग्ध हो गया। साहस नहीं किया जब राज और राजकुमारी गांव में पहुंचे तो पूरा समुदाय उसकी सुंदरता और लावण्य से मंत्रमुग्ध हो गया। राज और राजकुमारी की शादी एक भव्य उत्सव में हुई और उनकी प्रेम कहानी किंवदंतियों का विषय बन गई। राज की दादी अमारा संतुष्ट मुस्कान के साथ देखती रही, ये जानते हुए कि उनकी कहानियों ने न केवल उनके प्यारे पोते को खुशी दी है, बल्कि सबसे उल्लेखनीय प्रेम कहानी को भी जीवंत कर दिया है। और इसलिए पहाड़ियों और हरी भरी हरियाली के बीच बसे उस शांत गांव में एक बहादुर युवा लड़के और एक पौराणिक कहानी की राजकुमारी के बीच प्यार पनपता रहा, जिसे साबित हुआ कि कभी कभी सबसे साहसी साहसिक कार्य भी सबसे करामाती प्यार का कारण बन सकते हैं। सभी की कहानियां